शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है इस सितंबर के मंथ में, क्योंकि बहुत से लोग क्वेरी कर रहे हैं कि सर GSTR 2 में कैसे GSTR 2 देखें, क्या करें। तो लोगों से रिक्वेस्ट मैंने की थी कि मैं GSTR 2 बहुत जल्दी लाऊंगा, 2-3 दिन के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहा हूँ क्योंकि आपको GSTR 2 की जो डेट है जुलाई की वो अक्टूबर 11 में है और उसके लिए हमारे पर्याप्त टाइम है। इस समय हमें क्या करना है, GSTR 3 भी फाइल करना है सितंबर 20 तक हमें GSTR 3 भी फाइल करना है। और ये देखिए यहाँ डेट हमारी सब एक्सटेंड है, 3 भी जो हमारा है वो निकल चुका है जुलाई का, GSTR 1 जो जुलाई का है वो फाइल करना है हमें 1 से 10 सितंबर 1 से 10 अक्टूबर के बीच में हमें फाइल करना, मतलब अक्टूबर 10 हमारी लास्ट डेट है इसकी। और GSTR 2 हमारा, क्योंकि अभी GSTR 2 होगा, जब GSTR 2 फाइल होगा तो GSTR 1 नहीं फाइल हो सकता, तो अभी सितंबर 1 से, मतलब जो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप फाइल कर सकते हैं 10 तारीख तक के। अक्टूबर में 11 से 31 आप GSTR 2 फाइल कर सकते हैं और नवंबर तक आपको, मतलब बहुत पर्याप्त टाइम है आपके पास कि आप इसको, क्योंकि अभी आपको ये पहला ही रिटर्न के लिए इतना टाइम उन्होंने दे दिया कि आप आराम से फाइल करिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर GSTR जो अगस्त का फाइल हो ना, उसकी डेट यहाँ पे बाद में वो देंगे। यहाँ से जो डेट थी पहले की, वहाँ पे 5 तारीख थी जो बढ़ाई थी पहले, वो भी यहाँ से सब हटा ली गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो आगे हमें नोटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा रिटर्न कब आगे अगस्त का फाइल करना है, ठीक है। ट्रांसफर की डेट हमारी तो 1 महीने बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आपको मतलब सितंबर में केवल 1 रिटर्न फाइल करना है 3B, तो आपसे आशा करता हूँ कि आप अपना जो 3B रिटर्न है उसको फाइल करेंगे। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो आप 3B अपना फाइल करें। धन्यवाद।